नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने चल रहा हूँ, यदि आपको मूत्र में रुकावट होने की समस्या है तो फिर आप ऐसे कौन से घरेलू उपाय को अपनाकर अपनी इस समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, उपाय नंबर एक, नारियल का पानी, मूली का रस, गाजर का रस, अड़ूसे का रस, यदि आप इनका सेवन करेंगे तो फिर आपकी मूत्र की रुकावट दूर हो जाएगी और फिर आपका मूत्र खुलकर आने लगेगा। दोस्तों, उपाय नंबर दो, सौंठ को आप बारीक कूट लीजिए, इसका चूर्ण बना लीजिए और 3 ग्राम की मात्रा दूध में मिलाकर ले लीजिए। इसके द्वारा आपके मूत्र की रुकावट दूर हो जाएगी। दोस्तों, उपाय नंबर तीन, 20 ग्राम आंवले को 300 ml पानी में उबाल लीजिए। जब ये पानी 50 ml बचा रहे तब आप इसको छान लीजिए, इसमें गुड़ मिला लीजिए और फिर आप इसका सेवन कीजिए, मूत्र का अवरोध आपका दूर हो जाएगा। दोस्तों, उपाय नंबर चार, दारू हल्दी और मुलेठे का चूर्ण 3 ग्राम शहद के साथ सेवन करने से आपका मूत्र खुलकर फिर से आने लगता है। दोस्तों, उपाय नंबर पांच, बार बार यदि आपको मूत्र में अवरोध होने की समस्या है, आपका मूत्र खुलकर नहीं आता है, तो फिर आप भोजन करने के बाद छाछ में हरा धनिया मिलाकर पी लीजिए, इससे आपको राहत मिलेगी और आपका मूत्र खुलकर आने लगेगा। दोस्तों, उपाय नंबर छह, तिल का तेल 20 ml लीजिए और 50 ग्राम सेंधा नमक डालकर आप धीमी आंच पर पकाइए। इस तेल को आप नाभि पर नीचे हल्के हाथों से मालिश करिए और फिर आप गर्म पानी से इसकी सिकाई करिए। इसके द्वारा मूत्र में अवरोध की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।